से मन की प्रेम के सारे रूप विसजना। प्रेम चेत की कभी चांदनी कभी जेठ की धूप विसजना। कमल क्या हुआ? घर जाने की इतनी जल्दी क्या है समर? मुझे सनसेट बहुत अच्छा लगता है। लाके ने कहा था थोड़ी दूर आगे चल के सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। चलो ना समर चलते हैं। समर, ओ पानी, चलो। टीना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स नहीं है? है, कई बॉयफ्रेंड है मेरे। क्या कई बॉयफ्रेंड्स? हाँ हाँ भाई, इनके तो होंगे ना, कनाडा वाले जो है। Why are you laughing? वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? एक्चुअली उससे ज्यादा वाला तो अभी मिला भी नहीं। तो तुम भी करवा चौथ का व्रत रख लेती? वाहेगुरु जी तुम्हारा व्रत खोलने के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते। समर को गए हो कितने देर हो गई जी? पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। पीतो जी फिकर मत करो, आ जाएगा, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, आते ही होगा। तो जी फिकर मत करो, आ जाएगा, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, आते ही होगा। अब करवा चौथ से भी जरूरी कोई काम हो सकता है क्या जी? देखिए ना, सिमरन कितना परेशान हो रही है। दीदी, समर जीजू को फोन करके पूछो ना, वो कब तक आएंगे? हाँ हाँ सिमरन पुत्र, कर लो फोन।
समर कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? हेलो सिमरन, दिस इज मी रानी। समर मेरे साथ में है। ओह, आप लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। सिमरन थोड़ा वक्त लग जाएगा, मैं और समर सनसेट पॉइंट पर जा रहे हैं। यू डोंट वरी, यहाँ सब ठीक है, डील पक्की हो गई है, बस इसीलिए हम लोग थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे। हम लोग पहुंच जाएंगे टाइम पे, ओके? बाय। गोल्डी, गोल्डी तू वापस कनाडा चला जा। What? क्या हुआ माँ? वो तुम्हारे पापा वहां अकेले हैं, तुम जाओगे तो हेल्प हो जाएगी। ओह माँ, पापा को किसी की भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं होती है, यू नो दैट। तुम समझते क्यों नहीं हो? जब मैं कह रही हूं वापस जाओ तो जाओ। What happened, mom? Please tell me. देखो मैं जो कह रही हूं बस तुम उतना ही करो, मैं आज शाम की टिकट करवा देती हूँ। नहीं मॉम, पहले मुझे बताइए कि बात क्या है। प्लीज मॉम। गोल्डी तुम्हारी घड़ी और चैन, गोल्डी तुम्हारी घड़ी और चैन पुलिस को उस कुएं के पास मिली है जहां के रंजीत ने सुसाइड किया था। What? Come on, mom. ये कैसे हो सकता है? वो घड़ी और चेन तो मैंने यहाँ कवर्ड में रखी है मॉम, घड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ रख दी थी, चेन भी उसके साथ ही थी। वो यहां नहीं है क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन ये कैसे हो सकता है मॉम? वो चेन और घड़ी मैंने यहीं पे रखी और मैं तो कुएं के पास नहीं गया। मैं जानती हूँ गोल्डी, इसलिए तो कह रही हूँ कि तू तो कनाडा वापस चला जा। वो चेन और घड़ी मैंने यहीं पे रखी थी और मैं तो कुएं के पास नहीं गया। मैं जानती हूँ गोल्डी, इसलिए तो कह रही हूँ कि तू कनाडा वापस चला जा। प्लीज गोल्डी। अब तो कनाडा जाने का सवाल भी पैदा नहीं होता है माँ। अगर मैं इस वक्त वापस चला गया तो सबको यही लगेगा
कि ये सब मैंने किया है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। जिसे जो समझना हो समझ ले, तू यहाँ नहीं रहेगा। बोटी, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, न समर के लिए न मेरे लिए। इससे पहले कि कुछ और हो जाए, नो गोल्डी, तू मेरी बात मान, प्लीज गो बैक गोल्डी। मॉम, कंट्रोल योरसेल्फ, मॉम, कंट्रोल। कुछ नहीं होगा। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? और अभी तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरी वो घड़ी और चेन उस कुएं के पास कैसे पहुंची। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं आता हूं। चंदा मामा किसी भी वक्त आ सकते, पहले थालियां तो फिरा ले। अरे आंटी, अभी चंदा मामा को आने में काफी देर है, अभी गिद्दा पा लेते हैं। लो जी, इसमें कौन सी बात है, अभी शुरू कर देते हैं। चलो चलो, बोलियां शुरू करो। समर को एक बार फोन करके पूछ ले, कहाँ रह गया वो? अभी थोड़ी ही देर पहले ही क्या था मम्मी जी, रानी जी ने कहा है जल्दी आ जाएंगे। दोबारा फोन करके पूछ ले पुत्र, उसमें खराबी क्या है? क्या हुआ सिमरन पुत्र, क्या कहा समर ने? वो मम्मी जी, समर ने फोन ही नहीं उठाया। वो रानी है ना उनके साथ, उसको ही दे देते फोन। एक तो दीदी सुबह से भूखी प्यासी बैठी है और उनको तो फिक्र ही नहीं है। अरे
तो आंटी आपके छत पर आए कर्रे का चांद देखने और आप न जाने कहाँ खोई हुई है। चलिए थालिया फिरा लें। जैसे आंटी बहुत देर से नजर नहीं आई। दस पड़ जाएगी। लो आ गई जैस आंटी। जैस आंटी आपने व्रत नहीं रखा? आई डोंट बिलीव इन व्रत्स। मैं व्रत नहीं रखती।